देखिए, इस समय हमने किसी भी तरह की यात्रा या किसी भी तरह के जो ग्रुप मूवमेंट को हमने अलाउ नहीं किया गया है। बाकी ये तो पता ही है कि जलाभिषेक, जैसे अभी आपने मंदिर में देखा होगा मॉर्निंग में आकर के, जो पिछले सोमवारों को भी आते रहे हैं, जलाभिषेक तो कर रहे हैं लोग आके अपनी आस्था है। आखिरी सोमवार है सावन का, तो जो उनकी धार्मिक भावना के अकॉर्डिंग लोकल व्यक्ति जो है वो पिछले सोमवार को भी आए थे, उसके पहले भी आए थे और आज भी दे करके गए हैं। तो मैम, फिलहाल क्या नूह शहर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या कर्फ्यू लगाया गया है या फिलहाल क्या स्थिति? नूह में कर्फ्यू है, बिल्कुल बिल्कुल कर्फ्यू है, और किसी भी तरह के जमावड़े को बिल्कुल भी परमिशन नहीं है। इंटरनेट भी बंद है मैम? इंटरनेट बंद है, कल रात, आज रात तक 12 बजे तक इंटरनेट बंद है फिलहाल। और इसके अलावा मैम, प्रीवियस जो राइड्स हुए थे उसकी मैम क्या इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची? इन्वेस्टिगेशन चल रही है, लगभग 250 से ऊपर जो है एक्यूज आइडेंटिफाई करके अरेस्ट किए जा चुके हैं, और SITs हमारी लगी हुई है, 4 अलग अलग SITs हैं। तो इन्वेस्टिगेशन और टेक्निकल एविडेंसेस के आधार पर, जो फुटेज वगैरह CCTV है, जो भी और टेक्निकल एविडेंसेस है, उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है, जो दंगाई थे उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर भड़काऊ जो पोस्ट हैं उसको लेकर भी मैम FIR हुई हैं, कितनी FIR अब तक हो चुकी है, अरेस्टिंग कितनी हो चुकी है? देखिए, FIR का एग्जैक्ट फिगर मेरे पास पूरे हरियाणा का नहीं, पर मैं मान के चल रही कि नूह नूह में 11 से अधिक ही हुई है, 12-13 हुई होंगी, आंकड़ा सही आंकड़ा इस वक्त मेरे पास नहीं है, और आगे भी होंगी। जो भी कोई भड़काऊ भाषण देगा बिल्कुल उसके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई की जाएगी, लीगल कार्रवाई भी होगी, पोस्ट को ब्लॉक भी किया जाएगा, हैंडल को ब्लॉक किया जाएगा, विल डू ऑल द एक्शन। प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई परमिशन नहीं है शोभा यात्रा की, किसी भी प्रकार की यात्रा की। बाकी जो धार्मिक उसकी परंपराओं के अनुसार जलाभिषेक आप खुद मंदिर में गए होंगे चल रहा है। तो सर, VHP के जो आलोक कुमार हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने कार्यकर्ता के साथ आएंगे, तो क्या एंट्री दी जाएगी उन लोगों को? जब मैंने बता दिया प्रशासन की तरफ से कोई ऐसा ही अनुमति नहीं है, और हम आपसी सहमति से बातचीत करके भी रोक रहे हैं, और अगर कानूनी व्यवस्था के मेंटेन करने की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी फोर्स डिप्लॉयड है। इसके अलावा जिस तरह से आप बता रहे हैं सर, जलाभिषेक कर सकते हैं, सोमवार का दिन भी है, तो क्या अगर आके वो सिर्फ जलाभिषेक करना चाहें तो? आप किसी भी मंदिर में जाके स्वयं देख लीजिए, जलाभिषेक सुबह 4 बजे से चल रहा है। जो 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 अपने धार्मिक आस्था के अनुसार जहाँ जाके कर रहा है, हो सकता है स्थानीय लोग तो काफी हद तक कर भी चुके हो। इसके अलावा सर, ये भी देखा जा रहा है कि नूह के जो जितने भी बॉर्डर्स हैं, सिर्फ नूह में जो रहते हैं लोग उन्हीं को एंट्री दी जा रही है, बाहर किसी को एंट्री नहीं दी जा रही। स्थानीय प्रशासन ने जो है 144 लगा रखी है, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जो भी प्रबंध करने पड़ेंगे वो कर रहे हैं। आपके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि शांति व्यवस्था बनाए रखे, और अपनी धार्मिक आस्था के अनुसार जो आज सावन का आखिरी सोमवार है, पहले 3 सोमवार जा चुके जैसे अब तक करते हैं वैसे अपने।